वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इसमें तीन तरह की कॉस्ट आती हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर कॉस्ट भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिलाकर ओवरहेड्स बनते हैं। ओवरहेड्स चार तरह के होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं। पहला है मटीरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट क्या होती है? वो है कॉस्ट जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली। हम उसको कन्वीनियंटली मेजर कर सकते हैं कि ये जो मटेरियल कॉस्ट है, ये हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर हमने इसका खर्चा किया है, उसको हम ट्रेसेबल कॉस्ट्स भी कहते हैं। जैसे हमने बटर बनाने के लिए जितना मिल्क हमने यूज़ किया है, तो उस मिल्क की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। इसी तरह फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर जो है, लकड़ी जितनी यूज़ हुई है, वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। ऐसे ही ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए जो कपड़ा यूज़ हुआ है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो उन सब की कॉस्ट जो है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे टिम्बर हो, चाहे कपड़ा हो, तो इन सब की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मानी जाएगी। सेकेंड है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है कि डायरेक्ट मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस कॉस्ट को हमें और इंकर करना पड़ता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनती पर उसके बिना प्रोडक्ट तैयार होना मुश्किल है, तो उस कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए नेल्स जो हैं, वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऐसे ही ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए धागा इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो इनकी कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट। ये भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी होती है? जो सैलरी और वेजेस हम उन वर्कर्स को देते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगे हुए हैं और कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको दिया गया वेतन जो है वो क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। और जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, वो जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, और जैसे ही प्रोडक्शन कम होती है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम किसी जॉब में या प्रोसेस में या प्रोडक्ट में डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो खर्चा है जो इनडायरेक्टली एंगेज्ड हो लोग, उन पर जो खर्चा किया जाता है, उनको जो हम वेजेस या सैलरी देते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। जैसे वॉचमैन है, स्टोर कीपर है, या चौकीदार है, या क्लीनर है, तो वो क्या लोग, वो कौन से लोग हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज नहीं हैं, पर जो एक इंडस्ट्री है उसकी वो चौकीदारी करते हैं, या स्टोर कीपर मटेरियल की देखरेख करता है, तो वो भी जो उनकी जो सैलरीज होंगी उसको भी अपोर्शन किया जाएगा किसी डिपार्टमेंट में, या प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको किसी न किसी अपोर्शनमेंट के मेथड से हम उस कॉस्ट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट करेंगे, तो वो कॉस्ट जो होगी वो होगी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हमारा थर्ड एलिमेंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही एक्सपेंस हैं जो स्पेसिफिकली किसी एक प्रोडक्ट के लिए खर्च किए जाते हैं। कोई एक डिज़ाइन हमने किसी जॉब का तैयार करना है, उसके लिए जो हमने खर्चा किया, या कोई और हमने एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट के लिए खर्चा किया गया है, तो वो हम एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं? जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर हमने खर्चा किया हो, स्पेशली उसी प्रोडक्ट के लिए,
और हम डायरेक्टली उस कॉस्ट को, उस प्रोडक्ट को अपोर्शन कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर उस खर्चा नहीं किया जाता, लेकिन वो कॉमन खर्चा होता है जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है, जैसे पावर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। जो एक इंडस्ट्री की जो पावर है, जो जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, वहाँ कई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे, ना कि एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। तो फिर जो पावर का खर्चा है वो क्या है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट किया जाएगा किसी ना किसी बेसिस के हिसाब से। तो फिर ये कौन सा खर्चा हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिलकर जो बनते हैं उसको हम कहते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आगे चार तरह के होते हैं, प्रोडक्शन, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड। एक ही ओवरहेड का नाम है, या हम उसे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं, या फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं, या वर्क्स ओवरहेड कहते हैं। ये वो खर्चे हैं जो हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में करते हैं। ये इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ द फैक्ट्री, या कैंटीन एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैंटीन हो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ के लिए जो खर्चा किया जाए उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन या वर्क्स ओवरहेड। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड। ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफिस है कंपनी का, वहाँ पर जो सैलरी हम देते हैं या जितने भी वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उन पर जो खर्चा किया जाए, या डायरेक्टर की फीस है, कोई केस हमारा चल रहा है किसी क्लाइंट के साथ, वो जो लीगल चार्जेस हैं, या ऑफिस जो है कंपनी का उसकी जो इंश्योरेंस है, ऐसे जो सारे खर्चे, जहाँ अगर टेलीफोन फैसिलिटी है ऑफिस में तो उसका जो बिल्स हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंडर आते हैं, या इसको हम ऑफिस ओवरहेड्स भी कहते हैं। तो इन एक्सपेंसेस को भी हम किसी ना किसी क्राइटेरिया से अपोर्शन करते हैं बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है सेलिंग ओवरहेड्स। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि सेलिंग ओवरहेड्स कौन से एक्सपेंस होते हैं, कि वो एक्सपेंस जो हम प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए करते हैं, जैसे सेल ऑफिस एक्सपेंस, जो सेल ऑफिस है उसका जो खर्चा है, या हमने अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की है तो एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, या हमने अपने प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए फैंसी पैकिंग की है तो वो खर्चा, या शोरूम के एक्सपेंस, या अपनी सेल को बढ़ाने के लिए हमने सैंपल्स या फ्री गिफ्ट्स दिए हैं तो उसका सारा खर्चा जो है वो सेलिंग ओवरहेड्स में आता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एक्सपेंसेस, या ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस एक ही बात है। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जब हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो अपने प्रोडक्शन एंड से लेकर कंज्यूमर एंड तक पहुंचने में जितना भी खर्चा आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहते हैं। तो ये क्या है, ये जैसे डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस ऑन स्पेशल पैकिंग फॉर बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि पहले हम पैकिंग जो है कई तरह की करते हैं। पहले हमारी प्राइमरी पैकिंग होती है जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बाद हम उसको सेलेबल पोजीशन में करने के लिए फैंसी पैकिंग करते हैं, फिर जब हमने ट्रांसपोर्टेशन करनी है कि हमारा प्रोडक्ट जो है रास्ते में ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए हम स्पेशल क्रेट्स या चेस्ट लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है इकट्ठे भेजने होते हैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह जहाँ वो प्रोडक्ट को बिकना है। तो उस सब का जो खर्चा है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे कि कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, और उसकी डिटेल स्टडी जो है वो हम करेंगे विद एग्जाम्पल हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए